यस स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अल्टरनेटिव करंट के 6 एग्जांपल। ये आपके स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेटिव करंट 12 फिजिक्स एग्जांपल नंबर 7 शो हो रहा है। फोर सर्किट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक पावर लो पावर फैक्टर एम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन एक्सप्लेन। अगर अपने को एक ट्रांसपोर्टेशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर अपने लो पावर फैक्टर ले रहे हैं तो इससे अपने को लॉस ज्यादा होगा, इसका रीजन क्या है? पहले मैं बात करता हूँ पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर फैक्टर के कंसेप्ट में पावर आपको याद हो कि PRMS cos phi, और PRMS को सोल्व करें ये हो जाएगा P इज इक्वल VI, तो VRMS IRMS cos phi। अगर आप कह रहे हो कि cos phi वाला जो फैक्टर है इसको अपने बोलते हैं पावर फैक्टर, अगर आपको याद हो तो cos phi अपना पावर फैक्टर है। अगर cos phi ये पावर फैक्टर अगर कम होगा तो इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इसमें से कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी? करंट की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो आपका पावर फैक्टर जितना कम होगा यानी cos phi जितना कम होगा उस कंसेप्ट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी ताकि इसको इक्वल कर सके। और इस कंसेप्ट के कारण अगर आपको पता हो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वेयर आर, जितनी ज्यादा करंट होगी इसका मतलब उसका लॉस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब सही कह रहा है कि अगर आप लो पावर फैक्टर वाला यूज करोगे तो इससे आपको ट्रांसमिशन में जो लॉस जो होगा वो ज्यादा लॉस होगा। फिर वो कहता है कि आप एक्सप्लेन करो कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस यूज करके। कारण क्या है? अगर आपको याद हो कि ओवरऑल सर्किट के अंदर, ओवरऑल सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे जा रही है। वोल्टेज को मैं यहाँ ले रहा हूँ, करंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ और ये एंगल में फाइ ले रहा हूँ, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए। एक तो बन गया आई साइन फाइ और एक बन गया आई कोस फाइ। यही तो आपका पावर फैक्टर था। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में या वोल्टेज के अलोंग जो करंट का फैक्टर होता है वो हमारा पावर फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट। तो इसको खत्म करने के लिए ताकि हमारा वोल्टेज जो है या मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर सके, ताकि इस स्टेप को न्यूट्रल स्टेप को खत्म करने के लिए मैं इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं करंट यूज कर लूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कैपेसिटर अप्लाई करूंगा तो कैपेसिटर में करंट आगे चलती है वोल्टेज से, वो पाई बाई टू आगे चलेगी। ये जो करंट चलेगी जो कैपेसिटर के कारण चलेगी वो इस वोल्टलेस करंट को खत्म कर देगी। इस कारण इस पूरी करंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो पावर फैक्टर के अंदर होगा। तो इस तरह आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप अप्रोप्रिएट एक कैपेसिटर उस सर्किट के अंदर सीरीज में लगा पैरेलल में लगा देती है। कैपेसिटर को यूज करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि वो कैपेसिटर की जो करंट होगी वो इस वोल्टलेस करंट को खत्म कर देगी। तो हमारी जो करंट होगी वो किस में कंट्रीब्यूशन देगी? अपना पावर फैक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन देगी। यस, अब बात करते हैं एट एग्जांपल की। एक साइनोसोइडल वोल्टेज दे रखी है, उसकी पीक वैल्यू आपको 283 दे रखी है, यानी ये आपको V0 दे रखा है। पीक वैल्यू का मतलब हाईएस्ट वैल्यू। वोल्टेज की आपको पीक वैल्यू दे रखी है 283 वोल्ट। उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है सर्किट के अंदर वो 50 हर्ट्ज है, और रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 3 ओम का है। कॉइल लगी हुई है वो 25.48 मिली का मतलब 10^-3 हेनरी का है। कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है 796 माइक्रो फैराड का अप्लाई किया हुआ है। आपको बोल रहा है कि इंपीडेंस फाइंड करो। अगर इंपीडेंस की बात करें, इंपीडेंस क्या होता है? मिक्स सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। अगर मैं जेड की बात करूं, जेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, जो भी ज्यादा होगा एक्सी जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस करके स्क्वेयर कर देंगे। तो पहले मैं एक्सएल और एक्सी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2πfL, एक्सी होता है ओमेगा सी 2πf और c। इन सब की वैल्यू रखें 2 की, पाई की, फ्रीक्वेंसी की और l की, तो एक्सएल की वैल्यू आपकी आएगी 8 ओम। और इन सब की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 ओम। तो इसका मतलब एक्सएल जो है वो ज्यादा है एक्सी से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सएल माइनस एक्सी। अब अगर बात करें r, वो आपका 3 है, ये 8 है, ये 4 है, 8 - 4 = 4, तो ये 40 स्क्वायर हो गया। ये ओवरऑल बन गया 25, इसका रूट आ जाएगा 5। इसका मतलब उस पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो आपका 5 ओम है। फिर आपको कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस निकालना है। इम्पीडेंस निकाल लिया, फेज डिफरेंस,
फेज डिफरेंस हम लोग टेन फाइव निकाल लें, मतलब फाइव निकाल लें, ये टेन है, टेन फाइव का फॉर्मूला होता है कि एक्सएल माइनस एक्स सी अपोन में आर। तो एक्सएल मेरा एट है, एक्स सी मेरा फोर है, तो एट माइनस फोर फोर अपोन थ्री। तो यहाँ से फाइव मेरा आ जाएगा टेन इनवर्स 1.3। टेन में किसकी वैल्यू 1.3 होती है, ये ऑलमोस्ट 53 डिग्री की होती है, 53.1 डिग्री, ये आपका आ गया फाइव। इसके बाद आपको निकालना है कि आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया, फिर कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड, मतलब कितना पावर लॉस हुआ है। तो पावर लॉस के लिए मैं काम करता हूँ, पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर, पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई करंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, करंट की वैल्यू मेरे पास, पहले मैं करंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो आई के लिए वी इज इक्वल आई आर, आई इज इक्वल वी अपोन आर, तो ई अपोन में आर। अब ये हमारे को आर एम एस वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे को आर एम एस वैल्यू वोल्टेज की पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे को तो क्वेश्चन में पी इक्वल गिवन है, वी जीरो गिवन है। मैं काम करता हूँ, मुझे पावर चाहिए, पावर का फॉर्मूला हो गया आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर, क्योंकि सर्किट जो वैल्यू दिखाता है वो आर एम एस वैल्यू शो करता है, तो मैं जो वैल्यू दिखानी है वो आर एम एस के हिसाब से शो करनी है। तो मेरे को वोल्टेज की वैल्यू जो चाहिए वो आर एम एस चाहिए, तो ये बन जाएगा आई आई इज इक्वल वी अपॉन आर का स्क्वेयर इंटू में आर, ये बन जाएगा ई जीरो स्क्वेयर, और इस आर के स्क्वेयर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा। अगर मैं ये ई जीरो को, यहाँ पर ई वैल्यू ई आर एम एस की है, मुझे ई जीरो की टर्म्स में लानी पड़ेगी, ई आर एम एस जो होता है वो ई जीरो बाई रूट टू होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है आर एम एस और पी के लिए रिलेशन, और ई जीरो हमारे दे रखा है 283 रूट टू, और आर हमारा कितना था, रेजिस्टेंस कितना था, थ्री था। तो इस पूरे को अगर सोल्व करेंगे तो आपको पावर की वैल्यू आएगी 4805.3 वोल्ट। हमने पावर पावर लॉस भी निकाल लिया, और हमें क्या निकालना था, और निकालना है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर यानी कोस फाई। तो आपने जब फाई निकाल लिया तो कोस फाई में क्या दिक्कत आएगी, तो कोस 53.1 डिग्री की वैल्यू जो होगी तो पावर फैक्टर वैल्यू होगी, इसको सोल्व करेंगे ये आपका आएगा 0.6। वरना अगर आप चाहते हो तो कोस फाई आपको पता है आर अपॉन जेड भी होता है, आर अपॉन जेड, आर आपका कितना है थ्री है, जेड आपका फाइव है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 0.6। तो अगर आप एंगल से निकालते हो एंगल से निकाल लो, वरना आपको पता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आर अपॉन जेड, हमारे पास एंगल भी है और आर अपॉन जेड भी है।